दोस्तों, इनकम टैक्स के डिस्कशंस की अपनी श्रृंखला में मैं आज एक टॉपिक लेकर के जो आया हूं आपके सामने, उसका टाइटल है क्लबिंग प्रोविजंस इन इनकम टैक्स लॉ। निश्चित रूप से असेसीज एट लार्ज में क्लबिंग से रिलेटेड प्रावधानों के संदर्भ में कुछ क्वेरीज बनी रहती हैं। मैं कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो के थ्रू उन्हीं पर्टिकुलर क्वेरीज का आपको आंसर दे पाऊं, और यदि फिर भी कोई प्रश्न अनुत्तरित रह जाए तो आप मुझे लिख करके उनका आंसर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों कवरेज यानी क्या क्या टॉपिक मैंने कवर किए हैं, व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लबिंग, क्लबिंग का प्रभाव क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लबिंग किस किस तरीके की है, जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू स्पाउस उसका डिस्कशन हम करेंगे, क्लबिंग विद रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ द माइनर, एंड क्लबिंग इन सम अदर केसेज ऑल्सो विच आर प्रोवाइडेड इन इनकम टैक्स लॉ, एंड लास्टली कुछ और क्वेरीज जो क्लबिंग से रिलेटेड है इनका उत्तर जानने का प्रयास हम इस वीडियो के थ्रू करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। व्हेन अदर पर्सन इनकम इज इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम इट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी जब किसी दूसरे व्यक्ति की आय मेरी आय में शामिल की जाएगी तो इसको क्लबिंग ऑफ इनकम कहा जाता है। आपके सामने प्रश्न ये होना चाहिए कि साहब क्लबिंग ऑफ इनकम करते क्यों हैं। बेसिकली क्लबिंग ऑफ इनकम करने का मुख्य कारण या मेन रीजन ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर असेसीज एट लार्ज की कुछ प्रैक्टिसेस को टैक्स अवॉइडेंस की प्रैक्टिस मानता है। मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने एक स्पष्ट व्यवस्था रखता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में 50 लाख रुपए है और उसमें से 40 लाख रुपीज मैं मेरे बैंक अकाउंट से मेरी वाइफ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके एक फिक्स डिपॉजिट कर देता हूं, और वो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट, क्योंकि वो पर्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट मैंने मेरी वाइफ के नाम पर खुलवाया है, तो वो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो भी आए मैं चाहता हूं कि वो मेरी वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल हो। अब मान लीजिए सर, अगर मैं 30% टैक्स रेट में टैक्सेबल होता हूं और मेरी वाइफ अभी होम मेकर है, यानी वो किसी प्रकार से किसी व्यवसाय में या किसी सर्विस वाले जॉब में संलग्न नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी इनकम उनको होगी उस पर्टिकुलर एफडी के इंटरेस्ट से, वो एफडी के इंटरेस्ट पर हमें स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। इस प्रकार से ओवरऑल मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर लूंगा। ऐसा करना गलत नहीं है क्योंकि अ हस्बैंड एंड वाइफ कैन ट्रांजेक्ट द अमाउंट बिटवीन देम, लेकिन इनकम टैक्स लॉ सर इसे क्लबिंग के प्रावधान की नजर से देखता है और वह कहता है कि अगर मैंने यानी एक असेसी ने अपने स्पाउस को, जो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उसको कोई पर्टिकुलर मनी विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करी, तो ऐसी परिस्थिति में ट्रांसफरी स्पाउस यानी जिसे वो पैसा दिया गया, उस स्पाउस को जो इनकम होगी ऐसे दी गई राशि से, वो वापस से ट्रांसफरर स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक टैक्स अवॉइडेंस प्रैक्टिस मानते हुए दोस्तों टैक्सेबल किया है। हालांकि रोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनकम, रोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड ट्रांसफर ऑफ बोथ, ये तीन पॉइंट यहां पर मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूं, आप उसको भी जरा समझने का कोशिश करिएगा कि मान लीजिए मेरा ब्रदर है और मैं उसके नाम पर कोई एफडी कर देता हूं और उस एफडी का इंटरेस्ट भी मैं उसी के नाम कर देता हूं, तो क्या क्लबिंग मेरे हाथ में आएगी क्या? अगर मैं मान लूं कि मैं मेरे ब्रदर को जब पैसा दे रहा हूं, और इनकम टैक्स लॉ में ब्रदर को देने पर, सिस्टर को देने पर, फादर मदर को देने पर यदि क्लबिंग का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो जब मैं इनकम का सोर्स एज वेल एज इनकम दोनों किसी व्यक्ति को दे देता हूं तो क्लबिंग मेरे हाथ में नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए मैं एफडी तो मेरे ब्रदर के नाम नहीं करा, परंतु एफडी का इंटरेस्ट प्राप्त करने का अधिकार मेरे भाई को दे देता हूं, तो ऐसी परिस्थिति में वो इनकम मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगी। तो दोस्तों दो चीजें हमारे को ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि जब किसी दूसरे व्यक्ति की आय हमारे हाथ में शामिल होती है तो इसे क्लबिंग कहते हैं, और दूसरी बात यह कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को मात्र आय देते हैं और संपत्ति नहीं देते, या मात्र संपत्ति देते हैं और आय नहीं देते, तो ऐसी परिस्थिति में इनकम हैंड्स नहीं ट्रांसफर करेगी, इनकम उसी व्यक्ति के हाथ में टैक्सेबल होती रहेगी जिसके हाथ में मूल रूप से टैक्सेबल होती थी। सर हमारे सामने व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लबिंग। तो जैसा कि आपके अंडरस्टैंडिंग में ऑलरेडी होगा, क्लबिंग एनहांसेस द इनकम ऑफ द असेसी इन हूज हैंड्स क्लबिंग टेक्स प्लेस, अकॉर्डिंगली इट एनहांसेस टैक्स लायबिलिटी इवन इफ इनकम इज एंजॉयड बाय द अदर पर्सन। तो जैसे मैंने पहले आपके सामने उदाहरण रखा कि मान लीजिए मैंने मेरी वाइफ के अकाउंट में 50 लाख रुपए की एफडी करा दी और उस 50 लाख रुपए की एफडी पर साल का 5 लाख रुपए का ब्याज आता है सर, तो वो 5 लाख का ब्याज
उनके हाथ में तो स्लैब रेट पर टैक्सेबल होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ क्लबिंग प्रोविजन वो 5 लाख रुपए का ब्याज वापस मेरे हाथ में टैक्सेशन होने आएगा। और अगर वो 5 लाख रुपए मेरे हाथ में टैक्सेशन होने आए और मैं अगर 30% टैक्स रेट पर टैक्सेबल होऊंगा, तो ऐसी परिस्थिति में सर मेरे को उस क्लबिंग का वजह से, क्लबिंग के प्रावधान की वजह से, जो टैक्स प्लानिंग मैं करना चाह रहा था वो टैक्स प्लानिंग सरकार ने रोक ली। और मैंने ऐसा बहुत देखा है सर कि इस प्रकार से लोग बहुत सारे इस प्रैक्टिस में लगे हैं या ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं। जैसे रिटायरमेंट के समय पर भी कुछ लोग अपनी अमाउंट्स को ट्रांसफर करके स्पाउस के खाते में वहां से एफडीज करते हैं। ये अपने आप में एक करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर किसी दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको ट्रेस कर लेगा तो निश्चित रूप से आपको ट्रबल आ सकती है। तो बेसिकली जैसा मैंने पहले कहा सर कि इट इज अ टैक्स अवॉइडेंस प्रैक्टिस, एंड टू कर्ब दैट टैक्स अवॉइडेंस प्रैक्टिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज क्रिएटेड और द इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन एनेक्टेड विद सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर सच काइंड ऑफ क्लबिंग प्रोविजन, जिसके प्रति हमें सतर्क रहना है और उसी प्रकार से अपने ट्रांजेक्शन को डिजाइन करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सर क्लबिंग के संदर्भ में जो प्रावधान आता है वो है इनकम ऑफ स्पाउस व्हेन टू बी क्लब्ड। स्पाउस की इनकम कब क्लब की जाएगी, इसकी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसे मैंने टेबल के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। व्हेन क्लबिंग टेक्स प्लेस एंड व्हेन क्लबिंग डज नॉट टेक प्लेस, क्लबिंग कब होती है और क्लबिंग कब नहीं होती। व्हेन स्पाउस रिसीव्स सैलरी कमीशन फीस और रेमुनरेशन फ्रॉम अ फर्म इन विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मान लीजिए सर मेरी वाइफ एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और उस पार्टनरशिप फर्म से मुझे कोई सैलरी कमीशन या फीस या रेमुनरेशन किसी भी नाम से कोई पेमेंट मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे जो भी सैलरी कमीशन फीस या रेमुनरेशन मिलेगा उस पार्टनरशिप फर्म से जिसमें मेरी वाइफ पार्टनर है, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट जो मुझे मिला है, मान लीजिए साल का 4 लाख, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माई स्पाउस, दैट इज माई वाइफ। लेकिन मान लीजिए मेरे पास में कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और मुझे जो रेमुनरेशन मिल रही है वो उसी क्वालिफिकेशन या नॉलेज की वजह से मिल रही है, तो सर मेरी वाइफ के हाथ में कोई क्लबिंग नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें मेरी वाइफ पार्टनर है, उन्हें उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में कुछ बिजनेस वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर बिजनेस वाली फर्म का मैंने एक इंटरनल ऑडिट किया है और मैं वो इंटरनल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेसिटी में कर रहा हूं, तो ऐसी परिस्थिति में सर जो रेमुनरेशन मुझे मिली है वो रेमुनरेशन मेरी वाइफ के हाथ में क्लबिंग नहीं की जाएगी। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि कब क्लबिंग होगी और कब नहीं। एक और बात सर, यहां मैंने चर्चा करी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की। इनकम टैक्स लॉ में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब माना गया है सर, जब 20% या ज्यादा का स्टेक इन्वॉल्व है। पार्टनरशिप फर्म है तो प्रॉफिट में और अगर कंपनी है तो शेयर होल्डिंग में। यह भी एक क्राइटेरिया हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा बात देखिएगा सर, इनकम फ्रॉम द एसेट्स विच आर ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। जैसा मैंने पहले कहा सर, मैंने मेरी वाइफ के नाम एक 50 लाख की एफडी करा दी, उन्हीं के नाम से वो अकाउंट चल रहा है, आई एम सिंपली अ नॉमिनी, वही उसका ब्याज लेती हैं, वही उस ब्याज को एंजॉय करती हैं। लेकिन फिर भी सर क्योंकि मैंने 50 लाख रुपए उन्हें बिना कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है, यहाँ कंसिडरेशन में एडिक्वेसी इज इंपॉर्टेंट, अगर बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के मैंने उन्हें 50 लाख दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो 50 लाख का ब्याज सर कितना भी हो मेरे हाथ में टैक्स होने आएगा। हाँ, आप ये बात जरूर पूछ सकते हैं कि अगर हमने अपनी स्पाउस को कोई जो अमाउंट ट्रांसफर करी है वो इस रूप में ट्रांसफर करी है कि उससे कोई इनकम ही नहीं जनरेट हो रही, तो सर क्या क्लबिंग होगी? कोई क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपने पैसा दिया, सामने वाले ने एफडी कराई, स्पाउस ने एफडी कराई, इंटरेस्ट आएगा आपके हाथ में आएगा। आपके स्पाउस ने शेयर खरीदा, शेयर से ब्याज आया, वो आपके हाथ में आएगा। आपने अपने स्पाउस के नाम पर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर किया, उन्होंने शेयर खरीदे, शेयर को ट्रांसफर किया, कैपिटल गेन आया, वो कैपिटल गेन भी आपके हाथ में आएगा। तो ये क्लबिंग सर बहुत लंबे लेवल तक जा रही है, ये आपको समझना है। हाँ, एक बात जोड़ना चाहूंगा सर, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही स्पाउस के नाम कर दी हो, तो ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का किराया क्लबिंग के प्रावधान में नहीं आता, वरन सेक्शन 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की वजह से वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर माना जाएगा। तो मान लीजिए एक प्रॉपर्टी मेरी खुद की है, एक प्रॉपर्टी मेरी और खुद की थी जो मैंने मेरी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी, तो अब सर दोनों प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में दोनों प्रॉपर्टी का यदि किराया आ रहा है तो वो मेरे ही हाथ में टैक्सेबल होगा, मेरी स्पाउस के हाथ में एक प्रॉपर्टी का किराया टैक्सेबल नहीं होगा। एक और बात सर,
कि कब क्लबिंग नहीं होगी उसी लिस्ट में जोड़ूंगा, व्हेन द एसेट्स आर ट्रांसफर टू द स्पाउस अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। जैसे अनफॉर्चुनेटली कई बार तलाक के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बिटवीन द स्पाउस, तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रॉपर्टी दी गई है उससे जो इनकम आएगी, मान लीजिए तलाकशुदा वाइफ को, वो हस्बैंड के हाथ में अब टैक्सेबल नहीं होगी। वेयर इट इज ट्रांसफर्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी जहां मैंने एक पर्याप्त प्रतिफल मेरी स्पाउस से प्राप्त कर लिया है। प्रॉपर्टी विच इज एक्वायर्ड आउट ऑफ पिन मनी, पिन मनी क्या है सर, मान लीजिए मैं मेरी वाइफ को हर महीने 20,000 रुपये खर्चे के लिए देता हूँ, वो उससे धीरे धीरे करके, घर में महिलाओं की बहुत अच्छी आदत होती है भारतवर्ष में तो, कि थोड़ा थोड़ा करके बचाती चलती हैं, तो मान लीजिए मेरी वाइफ ने धीरे धीरे उसमें से 2 लाख रुपए बचा लिए और उन्होंने उससे एफडी करा ली, वो एफडी का इंटरेस्ट सर मेरे हाथ में नहीं आएगा क्योंकि ये एफडी उन्होंने अपनी पिन मनी से बचाई है और बनाई है। एंड वेन द मैरिज डज नॉट सब्सिस्ट, इसका एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी होने वाली है और शादी होने से पहले ही उसने होने वाली वाइफ के नाम पर कोई पर्टिकुलर एसेट ट्रांसफर कर दी, तो उससे होने वाली इनकम की भी क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि मैरिज विल सब्सिस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। तो ये चीज आपको स्पाउस को किए गए ट्रांसफर के संदर्भ में क्लबिंग प्रावधान में ध्यान रखनी चाहिए। सर हमने स्पाउस के संदर्भ में क्लबिंग के प्रावधान देखे, उसी प्रकार से इनकम ऑफ माइनर भी एक इंपॉर्टेंट प्रावधान है क्लबिंग का, कि माइनर की इनकम कब क्लबिंग होगी। इस पर मैं पहले आपको ये कह दूं सर कि माइनर में, माइनर है कौन सर, पहली बात वो व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है वो माइनर माना जाता है इंडियन इनकम टैक्स लॉ में। अब यहाँ पर चाइल्ड में शामिल कौन कौन होगा, स्टेप चाइल्ड भी शामिल है सर, एडॉप्टेड चाइल्ड भी शामिल है और माइनर मैरिड डॉटर भी शामिल है। दूसरी बात, क्लबिंग व्हेन मैरिज सब्सिस्ट, एंड इसी पर एक और प्रश्न मैंने रखा है, क्लबिंग व्हेन मैरिज डज नॉट सब्सिस्ट। मैं इसे एक उदाहरण से रखता हूं सर कि मान लीजिए मैंने मेरे पुत्र के नाम पर जो कि अभी माइनर है 10 लाख रुपए की एफडी करी और उस 10 लाख रुपए की एफडी पर 1 लाख का ब्याज आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्लबिंग प्रोविजन दैट इज सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स लॉ, वो 1 लाख का ब्याज सर मेरे हाथ में टैक्स होने आएगा। ये जनरल रूल हुआ। अब मान लीजिए मैंने तो नहीं ट्रांसफर किया, मेरे पिताजी ने, यानी मेरे माइनर सन के दादाजी ने उनके नाम पर 10 लाख की एफडी करी और उस 10 लाख रुपए की एफडी पर 1 लाख का ब्याज आया, क्या अभी भी ब्याज मेरे हाथ में आएगा या मेरे पिताजी यानी माइनर के दादाजी के हाथ में जाएगा सर? माइनर के दादाजी के हाथ में नहीं जाएगा सर, पेरेंट्स के हाथ में ही जाएगा, तो वापस मेरे हाथ में आएगा। तीसरी बात, अगर मेरी वाइफ और मैं साथ रह रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में तो सर क्लबिंग उस व्यक्ति के हाथ में होगी जिसकी इनकम माइनर की इनकम के अलावा ज्यादा है। मान लीजिए मेरी वाइफ के हाथ में इनकम है साल की 15 लाख और मेरी इनकम है साल की 10 लाख, तो ये जो एफडी का ब्याज मैंने 1 लाख डिस्कस किया वो मेरी वाइफ के हाथ में शामिल होगा। ये हर साल नहीं करना सर, एक बार कर लिया तो बाय डिफॉल्ट यही रूल चलता है जब तक कि उसे अदरवाइज चेंज ना किया जाए। दूसरी बात, अगर मैरिड डज नॉट सब्सिस्ट का उदाहरण आता है, यानी हस्बैंड और वाइफ अलग अलग हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति उस बच्चे को वर्तमान में मेंटेन कर रहा है उसी के हाथ में क्लबिंग आएगी, दूसरे व्यक्ति के हाथ में क्लबिंग नहीं आएगी। एक और बात, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 10 क्लॉज 32 में पेरेंट्स के हाथ में जब क्लबिंग की इनकम माइनर की आती है तो 1500 रुपये पर चाइल्ड, ध्यान दीजिएगा मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, 1500 रुपये पर चाइल्ड की एग्जम्पशन दी गई है। तो यदि मान लीजिए मेरे हाथ में 1 लाख रुपए की इनकम मेरे माइनर सन की आ रही है बाय वे ऑफ क्लबिंग, तो मुझे उसमें से 1500 रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी एंड रिमेनिंग 98,500 रुपीज पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, नो क्लबिंग शेल टेक प्लेस, माइनर के केस में कब क्लबिंग नहीं आती, तीन प्लेस हैं सर। पहला, फ्रॉम मैनुअल वर्क डन बाय सच माइनर, अगर माइनर ने खुद के व्यक्तिगत कार्य से कोई इनकम कमाई है, खुद उसने लेबर लगाई है वहां पर, या फ्रॉम एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल टैलेंट और स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ द चाइल्ड, मान लीजिए चाइल्ड आर्टिस्ट का केस है, चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ कमाता है तो वो भी सर जो उसने कमाई करी वो उसके पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, चाइल्ड आर्टिस्ट के पर्सनल हैंड्स में होगी। और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई माइनर सेक्शन 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफाइड किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी पेरेंट्स के हाथ में क्लबिंग नहीं आएगी। तो ये सर माइनर की इनकम के क्लबिंग से रिलेटेड प्रावधान आपको ध्यान रखने चाहिए। अब दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अदर केसेस अट्रैक्टिंग क्लबिंग, ये कौन से अदर केसेस हैं जिनमें क्लबिंग के प्रावधान लागू होते हैं। पहला,
इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी जहां मैं अपनी पुत्र वधु के नाम पर कोई संपत्ति कर देता हूं, कोई अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूं और मेरी पुत्र वधु को उस पर्टिकुलर संपत्ति से कोई आय होती है और मैंने ऐसी संपत्ति विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर करी है, तो ऐसी परिस्थिति में भी पुत्र वधु को जो इनकम होगी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। दूसरी बात, एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन और ईओपी फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज और हर स्पाउस और हिज और हर सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी जहां पर मैंने स्वयं के लिए, मेरी स्पाउस यानी वाइफ के लिए या मेरी पुत्र वधु के लिए किसी प्रकार से विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई एसेट इमीडिएट या डेफर्ड बेनिफिट के लिए किसी व्यक्ति विशेष को या ईओपी को ट्रांसफर करी है, तो उस व्यक्ति को या ईओपी को जो इनकम होगी वो भी मेरे हाथ में क्लबिंग की जाएगी। एंड इनकम ऑफ एचयूएफ फ्रॉम प्रॉपर्टी कन्वर्टेड बाय इंडिविजुअल इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी, जहां मैं अपनी एचयूएफ को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति ट्रांसफर कर देता हूं, तो एचयूएफ को ऐसी संपत्ति से जो आय होगी दोस्तों वो भी मेरे ही हाथ में इंक्लूड की जाएगी। तो ये क्लबिंग के कुछ अन्य प्रावधान है जो यहां मैंने आपके सामने रखे। अब कुछ और क्वेरीज दोस्तों जो मेरे दिमाग में है, मैं यहां पर जिन्हें आइडेंटिफाई कर पाया आपके सामने रख रहा हूं और उनका हल देने का प्रयास करूंगा। व्हाट इफ द फॉर्म ऑफ एसेट इज चेंज बाय ट्रांसफर, इसका मतलब क्या है सर? कि मैंने मान लीजिए मेरी वाइफ को कोई पर्टिकुलर एफडी दी, उन्होंने वो पर्टिकुलर एफडी से जो इंटरेस्ट कमाया वो मेरे हाथ में क्लब होता। मान लीजिए उन्होंने वो एफडी तोड़ा करके शेयर खरीद लिए, तो क्या अब शेयर से जो इनकम होगी चाहे कैपिटल गेन के प्रारूप में हो या डिविडेंड के प्रारूप में हो वो भी मेरे हाथ में क्लबिंग होगी? बिल्कुल सर, वो भी मेरे ही हाथ में क्लबिंग होगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस फॉर्म में एसेट दी, अगर स्पाउस उसी फॉर्म में रखती हैं तब भी वो पर्टिकुलर क्लबिंग आएगी, और अगर दूसरे फॉर्म में स्पाउस रखते हैं तो भी आपके हाथ में क्लबिंग आएगी अगर इनकम जनरेट होती है। दूसरा प्रश्न, हाउ टू क्लेम टीडीएस डिडक्टेड इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, कि मान लीजिए मेरे माइनर सन के नाम पर 10 लाख की एफडी थी, जैसा मैंने उदाहरण दिया, माइनर सन को 1 लाख का ब्याज आया और मैंने माइनर का पेन भी ले रखा है जो मैंने बैंक में दे दिया है, और अब माइनर के नाम टीडीएस कट गया तो वो तो माइनर के पेन में जमा हो गया और मेरे को 1 लाख रुपए मेरी इनकम में शामिल करना है, तो मुझे वही टैक्स दोबारा जमा कराना है और टीडीएस का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका समाधान क्या हो सर? आप ध्यान रखें, जहां कोई इनकम आपके हाथ में क्लबिंग के लिए आने वाली है, इट वुड बी बेटर कि आप बैंक या अदर इंस्टीट्यूशन जो भी टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार है उसको अपना पैन नंबर दें, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति का पैन नंबर देते हैं जिसकी इनकम के आपके हाथ में क्लब होगी, तो सर आपको उस टीडीएस की कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। तीसरी बात, वेदर क्लबिंग विल स्टॉप वंस माइनर अटेंस मेजोरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, कि मान लीजिए मेरा सन जिसको मेरे पिताजी ने 10 लाख रुपए दिए थे वो उस समय 16 साल का था जब पैसे उसको दिए, और इस साल वित्त वर्ष 2020-2021 में मान लीजिए मेरा सन नवंबर 2020 में 18 साल का हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में सर जैसे ही वो मेजर हो जाएगा मेरे हाथ में इनकम की क्लबिंग होना बंद हो जाएगी। और मैं यहां तक कहता हूं सर, जिस ईयर में मेरा सन मेजर हो जाएगा यानी वित्त वर्ष 2020-21 उस साल से ही क्लबिंग बंद हो जानी चाहिए, परंतु उससे पहले साल तक की जो भी इनकम आएगी वो माइनर की है, इसलिए वो मेरे हाथ में क्लबिंग के लिए आएगी। चौथा प्रश्न, वेदर एक्रीशंस विल ऑल्सो अट्रैक्ट क्लबिंग। एक्रीशंस का मतलब क्या है सर? कि मान लीजिए मैंने मेरी वाइफ को जो एफडी दी थी 50 लाख की, उन्हें 5 लाख का ब्याज आया, वो 5 लाख उन्होंने फिर एफडी करा दिए और उस 5 लाख पर अगले साल उनको 50,000 रुपए का ब्याज आया, क्या वो 50,000 का ब्याज भी क्लबिंग होने मेरे हाथ में आएगा? नहीं सर, एक्रीशंस की कोई क्लबिंग नहीं होती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों जो मुझे लगे मैंने आपके सामने रखे। मैं इन्हीं पर्टिकुलर प्रश्नों के साथ में यहां पर अपना डिस्कशन क्लबिंग से रिलेटेड समाप्त करता हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपके क्लबिंग से रिलेटेड कोई प्रश्न हो आप निश्चित रूप से मुझे लिख सकते हैं कमेंट पोर्शन में, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको उनका उत्तर दे सकूं। और मैं ये जो भी वीडियो बना पा रहा हूं सर, इसमें आप सबके सजेशंस का मैं योगदान कभी नहीं कम करके आंक सकता, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए सजेशन के बेसिस पर ही मैं कोई टॉपिक चुनता हूं और उस पर अपनी वीडियो बनाता हूं। इसी प्रकार से आपका प्रोत्साहन मिलता रहे उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।